पे पहुंचे तो कैसा? ग्रैंड, ब्यूटीफुल एंड सच नहीं लग रहा था. फाइनली इट्स हैपनिंग. आई ऑलरेडी वेटिंग फॉर 2-3 इयर्स एंड इट फाइनली केम टू रियलिटी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. सो अनरियल. या फैंटेसी टाइप्स प्रॉपर ड्रीम ऐसा था. बहुत अच्छी बनाई जब एक दूसरे से मिले तो. स्टार कास्ट और भी लोगों से मिले तो कितना सबसे फर्स्ट टाइम तो कैसा? अलग अलग. हमारे स्टार कास्ट बहुत अलग अलग रहे और सारे के सारे बहुत अच्छे. वी फेल्ट रियली हैप्पी जिन भी लोगों के साथ हमने काम किया. ऑल ऑफ देम रियली रियली गुड इंटरेस्टिंग एंड वाज लॉट टू लर्न. ऑल ऑफ देम हु वर पार्ट ऑफ आवर शो वेरी फैमिली. वी वर मोर लाइक अ फैमिली. जब पता चला कि मुंबई से बाहर से थे तो कैसा लगा? अच्छा लगा. तब अच्छा लगा. ओके. फाइनली इतना 600 एपिसोड हो गया जब सुने तो कैसा लगा? 600 एपिसोड रियली ग्रेट. आई थिंक सो कि बहुत बड़ी बात है. सबके अच्छा माइल स्टोन. वी आर हैप्पी एंड वी कीप ऑन वर्किंग द सेम वे. यही बोलूंगी. मैं लास्ट सबसे स्लैंड कर रहा हूँ. आगे बैठेगा स्लैंड. हाँ लेकिन फर्स्ट वीडियो में हम आपको अपना नाम बताना देन डेट ऑफ बर्थ. अगर आपको अपना ईयर नहीं पता नहीं बता सकते वो नहीं जल्दी. स्कूलिंग एक करके आपको स्कूलिंग के बारे में कुछ. कौन सा स्कूल? स्कूल में 10वीं पढ़ेंगे. कौन सा स्कूल कहाँ पर उस पर जैसे पुणे में आपको किया है वो रहेंगे. ब्लड ग्रुप मत पूछ. नहीं पता बोल दीजिए कुछ. ये हमारे ऑडियंस में ऑनर सुन सकते जो भी. वाइट बैलेंस. सुमेर एंड मलेगा वेलकम टू साहस बहुत बैठे आके स्लैम बुक में. तो स्टार्ट करें हम. फुल नेम सुमेर वासुदेव मुद्गल. मलेका सिंह. ओके. डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1996. 15 सितंबर 2000. स्कूलिंग मतलब स्कूल सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल स्कूल जोधा में. ब्लड ग्रुप बता नहीं. नहीं पता. फर्स्ट इनकम और क्या था वो इवेंट था? क्या था वो फर्स्ट इनकम? पता नहीं. मैं कहीं परफॉर्म किया था एंड उनको अच्छा लगा और ऑडियंस से किसी ने मुझे निकाल कुछ 100-200 कुछ तो ऐसे दिया था. बट वॉज माई फर्स्ट इनकम अगर उसको कहा जा सकता है. नहीं जिससे कहते हैं ना फर्स्ट जो आपको जॉब कोई होती हो वो तो इतनी जॉब तो देखिए एक डांसर का जॉब ही होता है. ही परफॉर्म्स एट प्लेसेस इन कॉम्पिटिशंस एट शोज एंड दैट्स हाउ ही अर्न्स. सो आई गॉट दिस फ्रॉम द ऑडियंस. लाइक अगेन द ऑडियंस व्हेन आई पोर्ट्री किसी को ऑडियंस में से लगा कि आई मेरे जेब में जो 100 रुपये या 200 रुपये उस पर 100 रुपये निकाल के मुझे 100 रुपये देने चाहिए फॉर दिस परफॉर्मेंस. दैट वॉज माई इनकम माई फर्स्ट इनकम एंड इट वॉज वेरी प्रेशियस. ओके. फेवरेट एक्टर? लॉर्ड ऑफ किंग. कोई एक जो फेवरेट एक्टर हो. लियोन. ओके. लाइक अगर बॉलीवुड की बात करूँ बॉलीवुड में अलग है मराठी में अलग है साउथ में अलग है. सो देयर लॉट ऑफ एक्टर्स वर वेरी. अगर मैं अगर सुपर का बोलूँगा तो रजनीकांत सबका अगर हो. सो सॉरी. एक्ट्रेस भी बहुत सारे हैं. बहुत अच्छे अच्छे. मैं एक नाम नहीं ले सकता. एक नाम फेवरेट एक्ट्रेस मैं खुद.
ओके, लाइफ का फंडा क्या है? फंडा जीते रहो, एक गोल होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, यू शुड कीप वर्किंग फॉर इट. पीपल हु रेज्ड यू, दे शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन इंस्पायर अदर पीपल एंड अदर पीपल लुक एट यू एंड दे लर्न गुड थिंग्स, आई थिंक सो दैट मेक्स माय लाइफ बेटर. कोई एक ऐसा सॉन्ग कहीं पे भी मतलब सुना दो तो मूड फ्रेश हो जाए, कोई एक सॉन्ग ऐसा सुमित का. मलिका एक is not for people to hear. It's something which is my own conversation with myself. Where I want to reach is something I haven't known. But, you know, times play a different role. So, I've learned this thing, like, don't plan out things. Don't plan a lot of things. You just make yourself better day by day, and whatever is supposed to be planned will be planned by them. As I said, still, I like to explore things. वीकनेस क्या है? वीकनेस नींद. नहीं, नींद नहीं. वीकनेस है, समटाइम्स आई फील आई माई सेल्फ एंड माई ओन वीकनेस, एंड दैट्स व्हाट इट इज, राइट? कोई बहुत सारी वीकनेस आप में होती है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, इट गेट्स बेटर, वेदर इट कैन बी एनीथिंग. थॉट्स मे बी अगेन ओनली योर्स. क्या चेंजेस लाना चाहेंगे आप अपने अंदर? चेंजेस मैं कुछ नहीं लाना चाहूँगा, आई फाइन द वे है. आई थिंक सो दैट यू नो, एक चेंज मैं नहीं आने दे सकता, ये वो है कि मैं जो सीखना चाहता हूँ नई चीज़ें, टू लर्न समथिंग न्यू, द पैशन आई हैव फॉर माई वर्क, फॉर माई गोल, वो जो डेडिकेशन है वो मैं कभी खोना नहीं चाहता. आई हैव अ माइंड दैट रन्स रियली फास्ट एंड इन वेरियस डायरेक्शंस, तो मैं उसको हैंडल करने को सीखता हूँ रोज़ 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 रोज़, तो वो मैं चेंज नहीं करना चाहता. टू बी बेटर इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरीथिंग. ओके, लास्टली फर्स्ट क्रश. शिज़ुका. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बस एक सेकंड, एक सेकंड कर दो वापस सुन लो. ऑन लोकेशन आज का जो है, जो कल आपके रास्ते लग गई खत्म हो गई, तो जहाँ पर कृष्ण आपसे बोल रहे हैं कि जो प्रेम का यारो करो, पर राधा जो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सबके सामने नहीं करूँगी, मैं कृष्ण बोलते हैं कि आज करना है प्रेम, सभी के सामने कृष्ण को अपना जाते जाते ये सीन होने वाला है. मैंने बताया यही सीन होने वाला है कि जहाँ पर सभी के आपसे कह रहे रासलीला खत्म होने के बाद कि आप जो प्रेम करते हो कृष्ण से, वो इजहार करो, बट आप बोलते नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ. कृष्ण है आपसे पूछते हैं, कृष्ण पूछते हैं कि जो मैं कृष्ण से पूछती हूँ, पढ़ा नहीं, कोई आइडिया नहीं. रासलीला के बारे में क्या है, और मैं ये पूछूँ कि कहाँ पे आप आए थे, क्या इजहार करने वाले, क्या लगता है आपको राधा हाँ या ना क्या जवाब देंगे? शुभ देखते रहिए.
बस आज तक मुझे मुंबई तक है। हाँ तो राधा कृष्ण की जो रास है बड़ी प्यारी थी, क्या बताना चाहेंगे आप प्लीज़? अभी हमने काफ़ी डिफरेंट सा रास किया, इसके कुछ पोर्शंस मैंने पूरा ही कोरियोग्राफ किया, मतलब ऐसा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सो इसमें हमने कुछ थोड़ा बहुत किया, बट देन अगेन इट्स ऑल लर्न फ्रॉम ऑल द कोरियोग्राफर्स हु केम डाउन सिंस द स्टार्ट ऑफ द शो। और इसमें अलग ये है कि कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, कृष्ण के चार रूप हैं जिनके साथ राधा रास करें, तो इन अ सिंगल रास चार कृष्ण के रूप हैं और राधा है और ये सब रास करें। इट वॉज वेरी डिफरेंट थिंग एंड आई लव्ड यू नो इवन कोरियोग्राफी इवन परफॉर्मिंग। एक कैरेक्टर करते थे, शूट करते थे, हम वापस आते थे, हम वापस फिर चेंज कॉस्ट्यूम चेंज गेटअप चेंज वापस सेट पे जाते थे, फिर कोरियोग्राफी रिहर्सल एंड इट वॉज वेरी फन। I enjoyed it. Malika, did you? Yes, of course. And कितना मार्क्स देना चाहेंगे कोरियोग्राफर के? Because you know जो मैं honestly कहूँगी कि 10 out of 10, क्योंकि बहुत इन्होंने सबको सिखाया, खुद भी किया, मुझे भी सिखाया, that was quite tough for everybody and mostly thank you। नहीं थोड़ा अलग कंसेप्ट है ना, so we all were on toes कि क्या करें, है ना, so वो चीज़ तो थी। Other than that, what really took a toll on me is different characters that we were playing at the same time. तो हर एक का बांसुरी बजाना भी आई ट्राई टू कीप इट डिफरेंट कि कृष्ण बजाएंगे तो ऐसे बजाएंगे, कृष्ण यंगर वर्जन जो कृष्ण का बांसुरी बजा तो वो कैसे बजाएंगे, गोपाल बजाएगा तो कैसे बजाएगा मनमोहन। सो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट इन साइड माइसेल्फ कि और क्या करूँ और क्या नया करूँ और इसमें क्या कैरेक्टर में डाला जा सकता है। बट लकीली पीपल लव द कैरेक्टर्स, मनमोहन किशोरी पीपल लव देम लॉट एंड देन ऑल्सो गोपाल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग ऑल द लव एंड शोइंग द अप्रिशिएशन, वी आर ग्रेटफुल फॉर। लास्टली जो कृष्ण के जो मन के अंदर जो बात है कि जहाँ पर राधा अब जो कृष्ण से प्यार करती है उस सभी के सामने इजहार कर दे, क्या आपको लगता है राधा ये कर पाएंगी? देखिए क्या होगा और क्या नहीं, क्या होने वाला है, क्या कोई करने वाला है, इसका आधार प्रेम है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जब स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो वहाँ ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि शायद ये हो, बट जो प्रेम है राधा कृष्ण का, जो डिवाइन प्रेम है, उस पर राधा क्या करती है इसका मैं आपको कोई आइडिया भी नहीं देना चाहता। अब बस देखिए यू विल जस्ट फील वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज वॉच। तो ये है और अगेन ये थैंक्स हम कभी नहीं कह सकते, जितना हम कहें उतना कम पड़ जाएगा, बट यस राधा कृष्ण के रोल के लिए हमें सिलेक्ट करना, सिद्धार्थ सर थैंक यू सो मच, आपकी उस चॉइस की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं वहाँ हैं, एंड ऑल्सो देवी राधा और भगवान कृष्ण उनके आशीर्वाद हैं तब जाके हम कुछ कर पाए। ये इतना हम ये नहीं कर पाते कि दिस इज़ इनसाइड अस, हम जब रूम में बैठते हैं शांति से देन वी थैंक गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बट ये भी हम यहाँ पे भी आज पहली बार हम कहेंगे थैंक यू, इट फील्स गुड एंड आई थिंक सो इट्स द गाइडेंस, इट्स द गॉड्स विश दैट वी आर हियर, दैट वी आर गेटिंग एवरीथिंग एंड वी हैव अ माइंडसेट दैट वी वांट टू वर्क हार्डर एंड वी वांट टू बी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो यस इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, इट्स ऑल पीपल अराउंड अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट वो है 17 मार्च में आने वाली फोन।